हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक मेरा नेक्स्ट व्लॉग में। आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हूँ, ये है ढाका और ये रोड साइड में एक गार्डन है। इस गार्डन में ऐसा हुआ था कि उस वजह से पूरा गार्डन खाली हो गया और ये गार्डन अबैंडन्ड पड़ा हुआ है। इसके अंदर कोई भी आदमी नहीं आता, ना कोई बच्चे ना कोई औरत आता है। इस गार्डन के अंदर एक दिन में 6 से 7 लोगों की मौत हुई थी, यानी बच्चों की मौत हुई थी। खेलते 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 अचानक उनको क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर हवन पूजा पाठ सब कुछ कराया गया, जब से गार्डन खाली पड़ा है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। आज मैं इस गार्डन को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। वो चीज़ें सब अभिनंद पड़ी है। यहाँ एक ये भी पीपल का पेड़ है, ये भी पूरा सूखा हुआ है दोस्तों। तो ये थोड़ा रोड साइड में थोड़ा आवाज़ को अवॉइड करना। ये पूरा पीपल का पेड़ है, पूरा पूरा पत्ते नहीं है, ठीक है, इसमें पत्ते ही नहीं है। आपको और भी चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे पेड़ लगाने की कोशिश की गई है, यहाँ पर वो पेड़ नहीं लगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बैठने के लिए 3 से 4 चेयर रखी गई है लॉन ये गार्डन में, ठीक है। एक चेयर इधर है और एक चेयर इधर है। इस गार्डन की ये हालत है दोस्तों कि यहाँ पे जंगल कांटे के पौधे उगाए हैं। यहाँ पे पीछे बहुत बड़ा एक तालाब है, यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते क्योंकि कांटे बहुत ज्यादा है। यहाँ पे पीछे एक तालाब है, पीछे यहाँ पे आपको मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, यहाँ तो मैं जाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये बहुत बड़ा तालाब है, इस तालाब का भी पानी सूख गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे वास करती है। और आइए आपको और भी दिखाता हूँ कुछ। यहाँ पे जितने भी पेड़ है सारे के सारे पेड़ सूख गए दोस्तों। ये जितने भी पेड़ है यहाँ पे ये सारे के सारे पेड़ सूख गए हैं। और यहाँ पे एक चेतावनी का बोर्ड लगाया हुआ है, यहाँ पे चेतावनी का बोर्ड लगाया हुआ है कि यहाँ पे किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस चेतावनी के साथ बोर्ड लगा दिया गया, जब से ना कोई यहाँ पर ना कोई आता है ना कोई जाता है। ये आप इधर आइए, ये वो चबूतरा है जहाँ पर जो बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते चबूतरे में बच्चों की डेथ हुई थी। ये वही चबूतरा है, यहाँ पे झाड़ का पेड़ है, ठीक है दोस्तों। ये वही चबूतरा है यहाँ पे जो खेलते खेलते बच्चों की डेथ हुई थी, यहाँ पे जो बच्चे मर गए थे। आज भी कहते हैं बच्चों की आत्मा यहाँ पे भटकती है। आपको मैं और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए सारी सुख सुविधाएं लगाई गई थी। यहाँ पे ये देखिए बच्चों के खेलने के लिए जगह है, हर तरीके के बच्चों के लिए खेलने के लिए ये सुख सुविधाएं यहाँ लगाई गई थी। ये देख सकते हैं बच्चों के लिए एक्सरसाइज खेलने के लिए ये है, और बच्चों के लिए जंपिंग, यहाँ पे झूला भी लगाया गया था, ये आप देख सकते हैं इधर। ये बच्चों के लिए जंपिंग झूला भी यहाँ पर लगाया हुआ है, एक ये है। यानी मानिए किसी भी चीज की गार्डन में कोई चीज की कमी नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हर चीजों की सुख सुविधा है, फिर भी ये गार्डन सूखा सूख गया। उस गार्डन के अंदर कोई भी आदमी नहीं आता है कि सबके अंदर इतनी दहशत रहती है कि जो बच्चे हैं दिन में भी कभी कभी उनको दिखाई देते हैं, कभी कभी उनसे धोखा कर देते हैं। क्योंकि कोई अगर इसके अंदर आता भी है तो कुछ कुछ उसके एक्टिविटीज कुछ कुछ गलत चीजें होती हैं और लोग डर के यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पे जितने भी पीपल के पेड़ है, देखिए ये भी पीपल का पेड़ है, ये भी पूरा पूरा सूखा हुआ पीपल पीपल का पेड़ है, ये भी पूरा सूख गया पेड़। यहाँ पे ये हवन कुंड बनाया गया है, यहाँ पे ये भी एक हवन कुंड यहाँ पर है। यहाँ पे एक हवन कुंड बनाया गया था शांति करने के लिए, फिर भी हवन कुंड से कोई फर्क फायदा नहीं हुआ, फिर भी वो बच्चों की आत्मा फिर भी यहाँ पे भटकती है। यहाँ पे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, बैठने के लिए सब चीज की सुख सुविधा है, फिर भी यहाँ पे बच्चों की स्पिरिट आत्माएं भटकती हैं और लोगों को दिखाई भी देती हैं हर तरीके से। आज के समय इतना अच्छा जो गार्डन है अबैंडन्ड पड़ा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ जंगल झाड़ियां ही, सामने रोड है, मेन रोड है, फिर भी
कोई दिक्कत, कोई यहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आज के लिए दोस्तों मेरा यही ब्लॉग है, थोड़ा इस तरह से ही है।